का मालिक कौन है? कोई है? इस डिब्बे का मालिक? वहाँ पे एक वो देखो वो रास्ता गया है। काफी बड़ी हवेली है नाना की, यहाँ से लगा के वहाँ तक पूरी हवेली है नाना की। ये बार बार कह रहे थे कि हमको क्या है, मोहा खाना है बनेगा का। हम जब छोटे थे तो पापा यहाँ खिलाते थे तो हाँ नहीं, वो सही बनाते हैं। देखो अभी अभी एकदम ताजे ताजे समोसे देखो निकल रहे हैं, और ये भी तैयार हो रही है। इनको भी घूमने का बहुत चस्का है, मतलब कहीं भी अगर हम कहीं भी जाएंगे ना तो इनको घूमना है, मतलब एकदम कंफर्म है, कहीं भी जाओ मतलब। गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग, और इस व्लॉग में हम आपको ले चलेंगे मेरी नानी के घर। एक्चुअली इंट्रो पार्ट गलती से डिलीट हो गया था मुझसे, तो मुझे अलग से इसका इंट्रो शूट करना पड़ रहा है। तो अभी चलते हैं नानी के घर और सब लोग तैयार हो रहे हैं, अब देखो कि क्या हो रहा है ना। चलो अब सीधे व्लॉग में चलाते हो कि तुम इंट्रो डिलीट कर देते हो। शांत बैठो, बहुत हो रहा है तुम्हारा, लाइट मैन बहुत हो रहा है, लाइट मैन है ये। चलो चलो व्लॉग एंजॉय करो। हम एक घंटे से तैयार होके बैठे हुए हैं। अब इधर देखो कि सब लोग तैयार हो रहे हैं। और ये लोग अभी तक नहीं तैयार हो पाए। और जितने भी हमारी ऑडियंस है ना M2R एंटरटेनमेंट की, तो उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। हमने एक पोस्ट डाला था कम्युनिटी पोस्ट की, इस साल कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो उन बड़े प्रोजेक्ट में जो एक पहला प्रोजेक्ट है वो रिलीज होगा मार्च में। जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना, स्पेशली वो ऑडियंस जो M2R एंटरटेनमेंट की है, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका कारण क्या है कि बहुत से लोग पूछते हैं ना कि अभी क्या अपकमिंग होने वाला है आपके चैनल पर, कौन सी नई शॉर्ट फिल्म आने वाली है। तो इस साल 2024 में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं M2R एंटरटेनमेंट पे, तो उसका जो अपडेट होगा ना वो इसी चैनल पे मिलेगा। क्योंकि यार सब कुछ पॉसिबल नहीं होता है हम अपने मेन चैनल पर डालें, क्योंकि वहाँ प्योर ऑडियंस है एंटरटेनमेंट की, तो किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है। तो इस वजह से इसको सेकेंडरी चैनल बनाया हुआ है कि जो भी हमारी लाइफ में कुछ अपडेट्स होते हैं, हम क्या कर रहे हैं, कौन सा शूटिंग स्टार्ट होने वाला है, अभी एक बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है उसकी शूटिंग हम लोग बाहर जा रहे हैं, वो भी अपडेट आपको यहाँ पे मिलेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या है, कैसे हम लोग शूट कर रहे हैं। अब ये लोग आए हैं, देखो अब ये लोग आए हुए, सब लोग आ गए हैं। ये हमारी नानी, अगर किसी ने नहीं देखा ये नानी है, वो मम्मी तो आप लोग देखते रहते हैं व्लॉग में, और ये हमारी पहली बीवी है। देखो साड़ी लुक में काफी एलिगेंट लग रही हो तुम, काफी प्रोफेशनल एकदम, बिल्कुल है ना एकदम वो, एकदम एकदम नहीं 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 तुम एकदम वो लग रही हो SDM, वो कौन सी थी, ज्योति मौर्य। अब एकदम पूरा लुक वही आ रहा है ना जो हम लोग शूट किए थे SDM। हम लोग 2 घंटे बैठे गाने भरे थे पेन ड्राइव में, पता है 7 घंटे का। लेकिन इसमें अब तुम्हारे हमसे ज्यादा फेवरेट तुम्हारे पड़े हैं। किसके? तुम्हारे फेवरेट ज्यादा हैं? नहीं सारे मिक्स पड़े हुए हैं इसमें, करीबन 7.5 घंटे का डाटा में डाल के रखा हुआ पूरा। मतलब यहाँ से मान के चलो अगर तुमको दिल्ली जाना है तो आराम से तुम गाना बजाते हुए जा सकते हो। मोबाइल बड़ी दिक्कत होती थी पता है, बैटरी भी जाती थी, बैटरी नेटवर्क नहीं रहते थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता है क्या, जो अभी हम लोग गाने डाउनलोड किए हैं एक, अबे तुम 320 क्या कहते हैं KBPS पे जब वो डाउनलोड करो उनको चलाओ ना गाने, मतलब तुम अभी सुनी रही क्वालिटी देखो, अभी हम चला नहीं पाएंगे कॉपीराइट की वजह से, वरना शानदार क्वालिटी यार। वो YouTube से जब प्ले करो तो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती है। नानी का अचानक सभी उछल चढ़ गया। आपको क्या हुआ था इसमें? ऐसी कोई इमोशनल बात हमको लग रहा है नानी को दिल पे लग गई। नानी ने कुछ सोच लिया था, अचानक से तुरंत रोने लगी। नानी तो दिखाओ जरा नानी, नानी अचानक से रोने लुक दे रही, नानी ज्यादा फोटो खींच रहा है, नानी अचानक से रोने लगी, पता नहीं क्या हुआ। क्रॉसिंग पे आए हुए हैं, एक क्रॉसिंग तो हम लोगों को जल्दी मिल गई थी, लेकिन ये वाली क्रॉसिंग लग रहा है अभी 2 ट्रेनें निकल चुकी हैं। ट्रेन कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं है यार, कहां अंजन पहुंच गया है, अंजन कहीं रहना नहीं, कहां अंजन पहुंच गया है, बहुत बड़ी है अंजन निरंजन। नानी कही नहीं कहां अंजन पहुंच गया है, कहां अंजन, अच्छा इंजन को है, इंजन अंजन। वो हमारे नाना बैठे हुए हैं अपना धूप सेक रहे हैं, हम लोग आ गए हैं और ये घर है, ये घर है, ये एंट्रेंस है यहाँ का। मम्मी सुबह हम चाय नहीं पिए, हम चाय नहीं पिए सुबह, तो चाय दो। हाँ और बिना चीनी की शादी तैयारी हो गई, हो रही है, हो गई कहाँ भाई, तिलक की तैयारी पहले हो, शादी बाद ही करें, शादी मतलब बाद में होती तिलक से है तो कहा हम, अब हमका हम जिम्मेदारी दे, थोड़े देखित रहे हमका कहा रहे यहाँ बैठ जाओ, तुम यहाँ बैठ गए चूल्हे पे बनेगी, इसीलिए आज हम खा के नहीं आए थे पता है मम्मी, एक रोटी खाली खा के आए हैं, रोटी
रोटी है बन भाई नहीं करी है चूल्हे का खाने के लिए सब खाएंगे मजा आया। तुम इधर टॉयलेट करने आए हो क्या? टॉयलेट टॉयलेट वो बनी हुई, टॉयलेट नहीं करने हैं हम, खाली दिखा रहे हैं, एम्बियंस दिखा रहे हैं। ये पूरा है, काफ़ी बड़ी हवेली है नाना की, यहाँ से लगा के वहाँ तक पूरी हवेली है नाना की। गांव में अक्सर जो है एकदम मीठी चाय आती है पता है, लेकिन हमने अपने उसमें चीनी नहीं डलवाई है। हाँ सही, अच्छी है, चीनी नहीं पड़ी इसमें, सही है। खाना तो लेकिन चूल्हे का अच्छा लगा था, हैं? रोटी है बनाती हो ना? नाना तो खाते ही नहीं है बिल्कुल ताजी। गैस का नान नहीं खाते हैं? खाते चूल्हे का जो मजा है वो बिल्कुल जब ताजी सेको तब खा ले हैं गैस पर की। मका है, चटनी है, चटनी कौन कौन सी चटनी? दो चटनी लगाई हुई है, दो चटनी, खट्टी है चटनी, ये खट्टी वाली है, मीठी ए एक मीठी है खट्टी है। हमका तो लग रहा तुम मेहंदी डाल रही हो, ये मेहंदी है, मेहंदी है मेहंदी थोड़ी ना है, मेहंदी कलर है पता है। और उधर बन रही है टिक्की चूल्हे वाली, और ये सुख जो है वो सिर्फ गांव में मिल सकता है, शहर में नहीं। भैंसे अब कब आएंगी? नानी से पूछे थे कि नानी अब कब आई हो, तो नानी कह रही थी कि जब जब भैंस आए जी हम दूध लेके आए सीधे। अच्छा ये दूध नहीं देती है, अच्छा देख रही है, फोटो खिंचाओगी? फोटो खिंचाओगी? हाँ वहाँ बेटा, एक्साइटेड नहीं होते? एक्साइटेड नहीं गलत बात। शहर की भागा दौड़ी की लाइफ के बाद मतलब अगर पार्टी करने कोई जगह है ना तो ये वाली है, ये एकदम बिल्कुल जब जैसा देखा था फेवरेट स्पॉट लगा हमको। अगर ये यहाँ पार्टी करनी हो, उधर से देखो एक रास्ता गया है वहाँ पे, एक वो देखो वो रास्ता गया है, और वो जो पेड़ है ना वहाँ पे कौन सा है वाटर, ये यहाँ पे आराम से पार्टी हो सकती है बिल्कुल। हर घर में एक एस्पिरेंट है नहीं, हर घर में कोई ना कोई एक आदमी तैयारी कर रहा है। चलो चलो बाय बाय नाना, नमस्ते, नमस्ते नानी, बाय बाय। ये गन्ने की खेती है, गन्ना हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं, ये वही वाली है जहाँ पर हम वो देखी थे आप लोग, भौकाल मूवी देखे थे, ये पूरी वही लोकेशन है, बताओ तुम है इसी में वो मारा गया था, उसके गुंडे का नाम नहीं याद है हमको, विलेन का नाम शौकीन ये गन्ने की है, एक इधर भी है ये सेम, यही थी देख लो, जैसे लग रहा है जेल से सब छूट रहे वही से निकल के सब भाग रहे हैं, और लेकिन ऐसे जाम फंसाए हैं सब तरफ से, गाड़ी ले जाकर वहीं पर खड़ी कर दिए हैं कि अब निकलने में देखो कितना टाइम लगता है। छोटा सा ब्रेक लिए हैं हम लोग, ये बार बार कह रहे थे कि हमको क्या है मोहा खाना है, बनेंगे अगर हम जब छोटे थे तो पापा यहाँ खिलाते थे तो हाँ नहीं वो सही बनाते हैं, देखो अभी अभी एकदम ताजे ताजे समोसे देखो निकल रहे हैं। ये पता है ये अंकल जी इनको ये 6 साल के थे तब आते थे अपने पापा के साथ यहाँ पर खाने, और उनको तुरंत देख के पहचान गए। तुमको ये नहीं पता है कि सरहिये का समोसा चाय ही फेमस है, वो हमने कॉम्प्लीमेंट्री खाया था। अच्छा अभी कैसा लग रहा है? छोटे बनाते हैं लेकिन देखो ये कई रुपए का समोसा, कितने का भैया? 5 रुपए का है। अपन चाय नाश्ता हम लोगों का हो चुका है, और उसके बाद अभी हम लोग सीधे निकलेंगे घर के लिए, अब कहीं पे बीच में कहीं भी हम लोगों को स्टॉपेज नहीं, कुछ खाना तो है नहीं, अब कुछ नहीं खाना है, और रात को कुछ नहीं खाना है। और यहाँ पर भैया आलू खुद रहे वाला नजारा, मतलब तब मजा आता है जब आलू रात में इकट्ठा करके भर लिए जाते हैं बोरी में, और उसके बाद जब रात में वहीं पर बढ़िया जला के उसमें भूजे जाते हैं, फिर वो आलू खाने में जो मजा आता है। गुड मॉर्निंग, और अभी हम लोग आए हैं लखनऊ। लखनऊ में हम लोगों को कार में थोड़ा सा काम करवाना था, मैटिंग वगैरह का, तो उसके बाद एक्चुअली क्या है कि हम लोगों को अभी शूट के लिए निकलना है बनारस, जो हम लोग का नेक्स्ट प्रोजेक्ट आने वाला है एमटो एंटरटेनमेंट पे, उसके लिए तो जो भी कार में छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे डैश कैम हो गया, फ्रंट कैमरा, प्लस मैटिंग का था, ये वाली जो मैटिंग हमने लगाई थी इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि जब पैर रखो ना तो सटर होता, तो मैंने कहा था कि वह थोड़ा सा फिक्स कराते हैं। और ये हमारे साथ आए हैं आज, आज हमारा कैमरा मैन चेंज है, प्रिया की वजह से आए हैं। सीट खोल,
सीट खोल के पूरी एकदम चिपका के लगाना बिल्कुल, है ना? हाँ, क्योंकि जैसे ये वाली है ना, तो ये खिसकती है जब इसको लगाओ तो खिसकती है। क्या? अब जैसे इन्होंने लगाई थी मैट ये ट्रे में, तो ये मतलब पैर रखो ना तो खिसकती है, तो ऐसा लगाना कि एकदम फिक्स हो जाए। घर से निकले थे बिल्कुल बिना चाय पिए, तो हमने कहा कि चलो चाय पीते हैं। हम जो हम चाय ना पियो ना, मैं एकदम बिल्कुल दिन मनहूसियत वाला होता है बिल्कुल सुबह सुबह। भैया चाय है? चाय कुल्हड़ वाली दो चाय कर दो। तुम जैम इसमें लेट भी सकते हो, अगर तुमको लेट के चलना हो तो तुम आराम से लेट के भी जा सकते हो, पता है? और देखो प्रीमियम फील दे रहा है कि नहीं, है ना? बेज, हाँ बेज कलर अब सही लग रही है ना। इधर एक तकिया रख दो, तकिया है ही। एक तकिया इधर डालो आराम से, मस्त आराम से हो जाओ। सफाई के लिए ये हमने ले लिया है शैम्पू 3M का, सबसे बढ़िया क्वालिटी होती है पता है 3M, इसका शेयर भी है हमारे पास। और ये मोबाइल होल्डर मैप ऐप देखने के लिए, ये डैश कैम है। क्या क्वालिटी देता है? 4K फुल HD है, 4K तो होता ही होगा। ये 4500 रुपये का है। क्वालिटी चेक हो जाएगी अभी? बिल्कुल जाएगी, दोनों की क्वालिटी चेक करा दीजिए। अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो डैश कैम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कभी भी एक्सीडेंट होता है तो ये दिक्कत, ये पता नहीं चल पाता है ना कि कहाँ पे दिक्कत आपकी दिक्कत थी, ये सामने वाले की दिक्कत थी। तो डैश कैम ज़रूर करवाइए। इस वजह से हमने जो इंपॉर्टेंट एसेसरीज़ है ना, वो हम कार की ले रहे हैं। जैसे ये डैश कैम है, बहुत से लोग नहीं लगाते हैं इसको, बट इसको लगाना चाहिए। चाहे आप ऑनलाइन ले लो ऑफलाइन ले लो, इट्स अप टू यू, बट लगाना चाहिए। बाकी लगी हुई है पीछे कैमरे पे, ये पन्नी लगी है ना, पन्नी हटेगी तो और साफ हो जाएगा। क्वालिटी सही है। क्यों जैम? अच्छा ये कितनी रिकॉर्डिंग कर लेता है एक बार में? 32 GB मेमोरी कार्ड डालिएगा। हाँ, एक दिन भर करेगा, दिन भर की। और इसमें ये वाला सिस्टम है कि ऑटो डिलीट हो जाता है? ऑटो डिलीट का ऑप्शन इसमें लगा दीजिए। हाँ, अपने आप ऑटो डिलीट करता रहेगा। तो वैसे यहाँ पे सारा काम हो चुका है, लेकिन चाहकर भी हम लोग नहीं निकल सकते। कारण क्या है ये देखो, इतने समझदार आदमी, इन्होंने सीधे पार कर दी, वो वाली गाड़ी नहीं निकल सकती। हमारे देश में समझदारों कमी नहीं है, पता है? इस डिब्बे का मालिक कौन है? कोई है? इस डिब्बे का मालिक? ये कौन ऑटो लगा के गया है हमारी गाड़ी के आगे? भैया कोई है इसका मालिक वालिक? कोई गार्ड है इधर? दादा इधर आओ, ये गाड़ी के मालिक को बुलाओ। भैया गाड़ी देखो कैसी लगा के गए। भैया ने तो गाड़ी थोड़ी आगे कर ले, हम निकाल लें अपनी। वही तो हम कह रहे थे, नहीं नहीं हम कह रहे थे थोड़ा आगे कर लें, हम अपनी गाड़ी निकाल लें फिर अपने लगाएं, कोई दिक्कत थोड़ी है। पूरे मशक्कत के बाद, 3-4 घंटे की मेहनत के बाद हम लोगों की गाड़ी फाइनली निकल आई है। तो अभी हम लोग सीधे जा रहे हैं घर के लिए, क्योंकि हम लोगों को कल सुबह 4 बजे निकलना है बनारस के लिए। तो सारा काम हो चुका है गाड़ी का, जो बेसिक चीज़ें थी हमने मैटिंग करवाई है। ये मोबाइल होल्डर है मैप वगैरह देखने के लिए, ये चीज़ है। प्लस वो एक कैमरा हमने लगवा दिया है फॉर दी सिक्योरिटी रीजंस, और बस इतना ही है जो बेसिक चीज़ें हैं जो गाड़ी में कराई जाती हैं। मैट तो आप देख ही रहे हो। उसके बाद अब चलते हैं, इसको गाड़ी को धुलवाएंगे, टैंक फुल कराएंगे, और उसके बाद अब ये गाड़ी निकलेगी सुबह 4 बजे। तो ट्रिप पे हम लोग जा रहे हैं, मतलब कितने लोग? 5 लोग जा रहे हैं ट्रिप पे, है ना? बाकी ट्रिप का जो व्लॉग होगा वो हम अगले व्लॉग में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो रिगार्डिंग अवर शूट है जो हमारी M2R एंटरटेनमेंट जो हमारा चैनल है उसके लिए। अगर अभी तक आप व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ लखनऊ आना। मतलब या तो आप सुबह आओ या तो आप फिर लेट नाइट आओ, तब तो ठीक है। इस वक्त तो अब ट्रैफिक अच्छा खासा मिल जाएगा। तो अगर आप व्लॉग अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चैनल पर नए हो तो और भी वीडियोस हमारी आती रहेंगी रिगार्डिंग जो भी हमारी लाइफ में कुछ होता है, हम लोग शूट करके डालते रहते हैं। और अगर आप मेन चैनल से नहीं जुड़े, M2R एंटरटेनमेंट से नए हो, आपको ये नहीं पता कि हम क्या करते हैं, सो वी आर अ फिल्म मेकर। हम लोग शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, मूवीज़ बनाते हैं, उसको आप M2R एंटरटेनमेंट में देख सकते हो। थैंक यू सो मच। व्लॉग को ख़त्म कर दिया जाए।